नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल में। आज फिर एक इलेक्ट्रिक रिक्शा का वीडियो आप लोगों के लिए लाए हैं, जो कि सामान ढोने वाला है, हैवी लोडेड हैवी ड्यूटी वाला ये है। तो इसको बढ़िया से आप लोगों को दिखाएंगे, शुरू से अंत तक बने रहिए मेरे चैनल में। आज आप लोगों को दो रिक्शा दिखाएँगे, दो इलेक्ट्रिक ठेला दिखाएँगे, जो एक मोटरसाइकिल के चक्का से बना होगा और एक नॉर्मल इलेक्ट्रिक जो ठेला होता है उससे बना होगा। तो दोनों आप लोगों को दिखाएंगे बढ़िया से कैसे ये बनता है और ये किस तरह से बना हुआ है। तो मेरे चैनल में सुरक्षित अंत तक बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। यहाँ पे देखिए तैयार हो रहा है, इस तरह से इसको फिटिंग करके फिर वेल्डिंग का कुछ काम होता है जो करना पड़ता है, बैटरी बॉक्स, उसके बाद ब्रेक प्ली और कुछ काम उसमें होता है, मोटर स्टैंड, ये सब बनाना पड़ता है। वेल्डिंग करके इसको बनाया जाता है। देख देख के आप लोग भी बना सकते हैं आसानी से। ब्रेक पुली जो लगता है पीछे, ब्रेक, दोनों ब्रेक पुली लगता है पीछे से बेल्ट के साथ, और ये काटा है, बुलेट काटा इसको बोलते हैं। हर एक चीज़ में सॉकेट लगा हुआ है, सॉकेट के साथ नट बोल्ट के साथ फिटिंग किया जाता है। यहाँ देखिए यह बन के रखा गया है, बना के ये नॉर्मल जो टायर आता है रिक्शा का उससे काफ़ी मोटा होता है। इसका तिल्ली जो स्पोक होता है काफ़ी मोटा होता है, क्योंकि ज़्यादा इसमें लोड कैरी करना होता है। लगभग 6 mm का इसमें एक स्पोक होता है, और इसका फ्रेम मजबूत होता है, इसका फॉर्क जो होता है वो भी काफ़ी मजबूत होता है, और इसमें पैडल सिस्टम भी रखा जाता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोड कैरी करना है। लगभग 5 से 6 क्विंटल लोड कैरी करता है आसानी से, और 30 से 35 किलोमीटर स्पीड में चल जाता है, और जो ओवरब्रिज होता है उसमें भी आसानी से चढ़ जाता है इतना लोड लेके, क्योंकि हैवी हैवी मोटर इसमें लगता है। 750 वाट का, 1000 वाट का मोटर लग के बनता है, जिसका जैसे रिकमेंड रहता है उसी हिसाब से तैयार करके दिया जाता है। किसी दोस्तों को ये बनवानी होगी या फिर इसमें सामान मंगवानी होगी तो कॉल करके डिस्क्रिप्शन में नंबर दे देंगे, वहाँ पर जाके कॉल करके हमसे मंगवा सकते हैं। इंडिया के किसी भी कोने में होंगे, कुरियर के जरिए आप लोगों को भेज दिया जाता है। तो ये देखिए इस तरह का पीछे वाला बुलेट काटा इसको बोलते हैं, ये लगाया जाता है और आगे पीछे दोनों तरफ चलता है। ये रिक्शा पीछे भी चलता है और आगे भी चलता है। यहाँ पे ब्लॉक लगाया गया है दोनों तरफ, देखिए सॉकेट के साथ एक लॉक हब होता है और एक बियरिंग के साथ हब लगता है। ये स्प्रिंग लगा हुआ है। अब लोगों का मोटरसाइकिल का दिखा देते हैं, मोटरसाइकिल के चक्का से ये देखिए मोटरसाइकिल का चक टायर लगा है, इसमें रिंग टायर मोटरसाइकिल का लगा है, स्पोक वही लगा है। ये स्पोक थोड़ा छोटा होता है, चक्का इसका थोड़ा छोटा है, लेकिन मजबूत काफ़ी होता है। इसमें 5 से 6 क्विंटल लोड कैरी कर सकता है आसानी से, और 35 से 40 स्पीड में ये चलता है, रन करता है। यह देखिए कितना मोटा टायर लगाया गया है। तीनों चक्का जो है मोटरसाइकिल का रखा गया है, इसका हैंडल भी मोटरसाइकिल का लगाया गया है। ये जब बन के तैयार होगा तो काफ़ी अच्छा देखने में लगता है। शॉकर लगाया गया है देखिए आगे की तरफ, इस तरह के नए नए वीडियो को देखने के लिए मिलन टेक्निकल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। घंटी का जो बटन है उसको ऑन कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के वीडियो मैं हमेशा लाते रहता हूँ, उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा आसानी से। इस रिक्शा का कोई भी पार्ट्स आप लोगों को मंगवानी होगी, डिस्क्रिप्शन में जाके नंबर लेके कॉल करके मंगवा सकते हैं। फ्रेम से लेके फॉर्क, चेन, काटा, पेनियम, उसके बाद स्पोक, ब्रेक पुली,
सारा सिस्टम मिलेगा। ये देखिए यार, ये वाला बन गया है, ये बन के तैयार हुआ है। आगे चक्का में एक लॉक लगाया गया है और ये हेडलाइट, हॉर्न, डबल हॉर्न, डबल लाइट लगाया गया रात में चलने के लिए। रात को भी आप चल सकते हैं और पैडल सिस्टम भी रखा जाता है। बाई चांस कहीं आपका बैटरी डिस्चार्ज हो जाए तो आप पैडल मार के भी आ सकते हैं। और ये लकड़ी का बॉडी लगा है इसमें, चार साढ़े तीन बाई साढ़े चार का होता है ये बॉडी का फ्रेम। ये ब्रेक लगा है पैर वाला। बस सारा आगे वाला वीडियो में वायरिंग कनेक्शन बता देंगे, इसके अगले जो वीडियो होगा उसमें वायरिंग कनेक्शन कैसे करना है वो बताएंगे। ये मोटर 750 वाट का लगा है, यहाँ बैटरी लगा हुआ है लेड एसिड बैटरी, क्योंकि इसमें ज़्यादा लोड कैरी करना होता है इसलिए लेड एसिड बैटरी इसमें लगाया जाता है ताकि आग वग लगने का डर ना रहे। लिथियम बैटरी लगाने से आग लगने का डर रहता है। मोटर अगर मंगवानी होगी मोटर किट तो आप लोगों को कनेक्शन करके भी दिया जाता है। जिसको कनेक्शन नहीं समझ में आता है उन लोगों को कनेक्शन करके दिया जाता है। उन लोगों के लिए पहले एडवांस करना पड़ता है पेमेंट पूरा। और अगर COD भी मंगाना चाहते हैं तो उन लोगों को कनेक्शन करके नहीं दिया जाता है। एक कन्वर्टर लगता है, 48 वोल्ट से 12 वोल्ट कन्वर्ट करता है उसको। तो इस तरह के नए नए वीडियो को देखने के लिए मिलन टेक्निकल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आगे भी वीडियो लाते रहेंगे आप लोगों के लिए। इसके बाद वाले वीडियो में वायरिंग कैसे कनेक्शन करना है वो दिखाएंगे आप लोगों को। देखिए इस तरह से लगता है चेन पीछे एक्सेल के साथ। ये कंट्रोलर है, कन्वर्टर है और बैटरी लगा है 50 एम्पियर का। 50 एम्पियर का बैटरी लगभग 100 किलोमीटर चलता है एक चार्ज में। कोई भी पार्ट्स मंगवानी होगी इस रिक्शा का हैवी ड्यूटी का तो आप लोगों को आसानी से मिल जाएगा मेरे पास। बस फ़ोन करने की देरी है, फ़ोन करेंगे तो कुरियर से भेज दिया जाता है। कुरियर से मंगवाने के लिए आप लोगों को एडवांस पेमेंट करना पड़ता है और COD में भी दिया जाता है। COD के लिए आप लोगों को 1000 रुपये एडवांस करना पड़ता है, 1 से 2 हज़ार। बाकी जब सामान जाएगा उस समय पेमेंट करना होता है। COD में कनेक्शन नहीं होता है और जो एडवांस पेमेंट करता है उनको कनेक्शन करके दिया जाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, आगे भी नए नए वीडियो लाते रहेंगे। मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिए।